वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह आगे चल रही हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल कांग्रेस उम्मीदवार राज नारायण सिंह से आगे चल रहे हैं। तीसरे सीट दादरा और नगर हवेली में फिलहाल शिवसेना आगे चल रही है। इसके अलावा 13 राज्यों की 29 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटों की भी गिनती की जा रही है। इनमें पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश की 3, बिहार और राजस्थान की 2-2 और हरियाणा के 1 विधानसभा सीट समेत कुल 29 सीटें शामिल है। सवाल ये कि किस सीट पर कमल खिलेगा और किस सीट पर हाथ को जनता का साथ मिलेगा। तो बंगाल की चारों सीटों पर जो जानकारी आ रही है उसमें टीएमसी आगे चल रही है। दिनहाटा शांति सिंह शांतिपुर सीट पर टीएमसी आगे चल रही है। खड़दह गोसावा सीट पर भी टीएमसी आगे चल रही है और गोसावा से तो लगभग जो जानकारी आ रही है 1.25 लाख वोटों से टीएमसी आगे चल रही है। दिनहाटा से 82,000 वोटों से टीएमसी आगे चल रही है। खड़दह से 27,000 वोटों से टीएमसी आगे चल रही है। शांतिपुर से 18,000 वोटों से टीएमसी आगे चल रही है। तो सत्ताधारी पार्टी के लिए इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं वो काफी गदगद कर देने वाले हैं। कम से कम बंगाल से तो ऐसी तस्वीर सामने आ रही है और राजस्थान की जिन 2 सीटों पर इस वक्त मतगणना जारी है उसमें भी कांग्रेस आगे चल रही है। 29 विधानसभा सीटों पर यह मतगणना हो रही है और जो डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि किस तरह से अभी अगर हम राजस्थान और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस वक्त जो मजबूत है वो सत्ताधारी पार्टी ही नजर आ रही है।